सड़क बदहाल है, जनता परेशान है, लेकिन फिर भी ये सुशासन की कैसी सरकार है। जी हाँ, नीतीश कुमार के चहेते विधायक श्याम बहादुर सिंह का ये वो विकास है जो अब बारिश के पानी में कहीं डूब गया है। दरअसल 15 साल पहले लालू के राज में बनी ये सड़क नीतीश कुमार के सुशासन में बदहाल हो गई है। आलम तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री के चहेते विधायक श्याम बहादुर सिंह इसी क्षेत्र से विधायक हैं, और वो एक बार के विधायक नहीं हैं, तीन तीन बार के विधायक हैं। करीब 1200 मीटर की ये सड़क जो बिंदुसार बुजुर्ग पंचायत के हकाम गांव की है, जिसकी मरम्मत करवाने में भी विधायक और ये सुशासन के नेता असमर्थ हैं। स्थानीय लोग मुखिया से लेकर इलाके के एमपी विधायक तक गुहार लगा के थक गए हैं। अब लोगों ने नो रोड नो वोट का रास्ता इख्तियार किया है। दिन से ये कम से कम 20 साल से ये रोड अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुआ। अगला साल हम बरसात में हम रोड ईटा है और राबी से इससे बराबर हम करवाए थे, ठीक है। उसके बाद गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई कि रोड बहुत मुश्किल है, ये हम लोग मुखिया के पास जा रहे हैं या विधायक के पास, वो बोल रहे हैं नक्शा में नहीं। तो हम बोल रहे हैं नक्शा में नहीं है तो ये कहाँ का है, कहाँ गया ये नक्शा में नहीं तो कहा चाइना में आ गया, कौन जगह बाबे, नेपाल में बाबे, कौन जगह बाबा, पूछ बताओ के चाइना साल हो जला क्यों ना आवेला, एक भी बार ना आवेला के भाई का खैरियत बाबे, ये जनता हमरा का वोट दे के जीतेले बाबे, अगर का समस्या बा रोड के, एक रोड नहीं है बनता, हमसे कौन सा सदी से जीते सर, रोड दुनिया कहाँ चांद पर पहुँचता, हमसे आए ले रोड नाला अब बांसवाड़ी खेतवानी में रह गए। कविता सिंह से भी बात हुआ है, उसमें उनको प्रतिवेदन भी दिया गया है और बोला भी गया है कि ये रोड जो है जो महादेवा रोड में जो रोड से पीच से जुड़ता है और कोयल सिवान कोयल रोड से जुड़ता है, बोलते हैं लोग कि पीडब्ल्यूडी का रोड है जो दो पीच से जुड़ता है और पीडब्ल्यूडी का रोड हो जाता है, और इसके लिए हम लोगों ने डीएम को भी आगाह किया गया था वीडियो बना करके। इसमें प्रत्येक वर्ष बच्चों को और दिक्कत हो जाता है, ज़्यादा पानी होने पर इसमें डूब भी सकते हैं। वो रोड पीडब्ल्यूडी का रोड है, उसको हमारे माननीय विधायक जी या सांसद महोदय के द्वारा बन सकता है, हमारे फंड से वो रोड नहीं बन सकता है। हमने विधायक जी और सांसद महोदय से 3-4 बार बोले हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है उस रोड में। दूसरा नंबर बात है कि 15 साल में हमारे श्याम बहादुर सिंह हमारे क्षेत्र में हमारे पंचायत में कहीं तक विकास नहीं किए हैं, और सांसद महोदय थे ओम प्रकाश जी वो भी नहीं किए हैं हमारे पंचायत में कोई विकास, और नए सांसद हैं वो भी अभी तक कोई विकास नहीं किए हैं। ये इसलिए कि हमारे फंड से वो तो रोड नहीं बन सकता है, और आप माननीय विधायक जी और सांसद महोदय के आश्वासन दिए हैं कि बनेगा बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये जनता को वो लोग बता नहीं पाते हैं। फैब्रिक हाउस पोटक विभिन्न आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप रोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से, बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।